हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास एट्थ एसएस का असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2B पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग करेंगे गिव द रीजन का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। द 19th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज द सेंचुरी ऑफ रेनाइसेंस इन इंडिया। तो इसका आंसर है आप लोग का, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए सॉल्यूशन भी बना के रखा है, इसलिए आप लोग को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सोशल इवेंट्स लाइक चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्लेवरी, सती प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन एंड विडो रीमैरिज लिटरेसी एंड सुपरस्टिशन वेर प्रिवेलेंट इन इंडिया। द इंडिया ऑफ 19th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द इंडिया ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कंपेंग्स बिकॉज सम ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स कंपेंग्ड अगेंस्ट दीज सोशल इवेंट्स इन इंडिया बोथ इंडिविजुअली एंड थ्रू इज ऑल्सो नोन एज द सेंचुरी ऑफ द सोशियो रिलीजियस रेनाइसेंस इन इंडिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है आपका क्वेश्चन कि राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडरेड एज अ ग्रेट सोशियो रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सॉल्यूशन के साथ आंसर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड कैंपस अगेंस्ट सोशल इवेंट्स लाइक द सती सिस्टम इन इंडिया बोथ इंडिविजुअली एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन। राजा राम मोहन रॉय स्टैब्लिश द आत्मीय सभा इन 1815 AD एंड द ब्रह्म समाज टू फाइट अगेंस्ट सोशल इवेंट्स लाइक द सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड नॉट अलाउिंग विडो टू रीमैरी, लैक ऑफ वुमेन्स एजुकेशन ड्यू टू हिज एफर्ट, विलियम बेंटिंक पास्ड अ लॉ अगेंस्ट द सती सिस्टम एंड प्रोहिबिटेड इट। नाउ चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो इसका आपको रीजन देना है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन के साथ आंसर है, अ रिसॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड इन कांग्रेस एट लाहौर इन 1929 AD एंड इट वॉज चेयर्ड बाई जवाहरलाल नेहरू। अ रिजोल्यूशन वॉज पास्ड टू सेलिब्रेट दिस डे एज पूर्ण स्वराज दिवस। इन रिमेंबर ऑफ दिस डे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। सो वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विके रॉय लॉर्ड माउंट बैटन डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया। तो यहाँ पे आपका आंसर है, लॉर्ड माउंट बैटन वॉज अपॉइंटेड द विके रॉय कम्युनिकल रेयर्स वे आर गोइंग एन इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेशन ड्यू टू द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम लीगर्स द इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट फंक्शन देर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्रोमिस रिगार्डिंग स्वराज बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एज अ रिजल्ट विके रॉय लॉर्ड माउंटबेटन डिसाइडेड टू पार्टीशन इन इंडिया। नाउ चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, द लोकल्स ऑफ गोवा स्टार्टेड द लिबरेशन ऑफ मूवमेंट दीव दमन गोवा दादरा एंड नागर हवेली वेर ऑक्यूपाइड पोर्टुगीज द पोर्टुगीज प्रूव टू बी मोर ऑब्स्टिनेट देन द फ्रेंच डिस्पाइट मेनी अटेम्प्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हैंड ओवर दीज टेरिटरीज थ्रू पर्सुएशन एंड निगोटिएशन द पोर्टुगीज गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री। द लोकल्स दी स्टार्टेड द गोवा लिबरेशन मूवमेंट फॉर एलियंस विथ इंडिया। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट थाउजेंड ऑफ पीपल ट्राई टू एंटर गोवा दीव दमन इन विच मैनी सत्याग्रहीज बिकम मार्टियर स्टेप लाइक सत्याग्रह एंड पर्सुएशन डिड नॉट वर्क। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन विजय अंडर द लीडरशिप ऑफ द जनरल चौधरी टू लिबरेट गोवा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टुडे ऑल्सो 1/3 पार्ट ऑफ द कश्मीर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तान। तो रीजन देना है, तो रीजन आपका ये है कि महाराज हरि सिंह दोगरा ऑफ कश्मीर डिड नॉट साइन टू ट्रीटी ऑफ द अलायंस विद इंडिया। मीनवाइल पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर टू एनेक्स इट। हरि सिंह साउट इंडियंस मिलिट्री हेल्प एंड साइनड अ पैक्ट विद इंडिया टू मर्ज विद इट। द इंडियन आर्मी इमीडिएटली वेंट टू कश्मीर एंड डिफेंडेड इट बट इन द मीन टाइम पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ कश्मीर। इंडिया लॉडगेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट पाकिस्तान विद द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल विच कॉल्ड फॉर द सी एस एफ
CA Ceasefire. पाकिस्तान स्टिल होल्ड 1/3 पार्ट ऑफ कश्मीर विच इज टूडे नोन एज द POK, जिसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज एन इंडिस्पुटेबल फैक्ट दैट कश्मीर इज लिटिगली अ पार्ट ऑफ इंडिया. थस पोलिटिकली यूनाइटी एंड वॉज अचीव्ड इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ 1948. नाउ चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1, द हाई कोर्ट एक्ट एज अ लिंक. तो आंसर है द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट हैज अ कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फॉर द होल कंट्री. एट द सेंट्रल लेवल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सेंचुरी इज एट द टॉप. द हाई कोर्ट आर इन द मिडल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट आर एट द बेस. द हाई कोर्ट हियर अपील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड गिव दैट जजमेंट. While the Supreme Court Higher Court acts as a link between subordinate court and the Supreme Court in Indian judiciary. Now ये आपका last question है, question number 2. The Supreme Court is considered as a court of record. Answer है, first point, judgment of decision of the Supreme Court are considered as a permanent document. Second number, the judgment and decision are or obligatory to all the citizens and all the other court of our country. Other court give their own judgment based on them. The Supreme Court may punish the person who violates the judgment decision of the Supreme Court for contempt of the Supreme Court. Point 4, the Supreme Court record its judgment given for each cases and publishes them in the Gazette. Therefore, the Supreme Court is considered as a court of record. तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और यहाँ पे आपका पार्ट 3 भी पार्ट 4 भी यहाँ पे आप लोग का ओवर होता है. तो पार्ट 4 में हम लोगों ने गिव द रीजन कर लिया है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका गिव द रीजन फिनिश होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सी से, मैच द पेयर करेक्टली. ठीक है, यानी मैचिंग से. तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत.